हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने व्हाट्सअप पर किस तरह से अपने होम स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं और वहाँ पर जो है आप अपने मन चाहे वॉलपेपर इमेजेस लगा सकते हैं। तो इसके बारे में जो है आज की वीडियो में पूरी जानकारी के साथ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी और भी नई नई वीडियोज़ की जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा अपने व्हाट्सअप पर कि कहीं भी आपको यहाँ पर आपको वॉलपेपर चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता। इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आप कोई भी एक ब्राउज़र पे चले जाना है। जाने के बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको यो व्हाट्सअप लिखना पड़ेगा। आप जैसे ही लिखेंगे वहाँ पर बहुत सारी लिंक आ जाएगी, यहाँ से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसको डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आप इसमें किस तरह से वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूँ, ये सेम उसी तरह का व्हाट्सअप है, बस इसमें आपको जो है कुछ फीचर्स दिए गए हैं कि आप यहाँ से वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर आप वॉलपेपर किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों इंस्टॉल हो चुका है, इसे आप सिंपली ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप जिस तरह से अपने व्हाट्सअप पर इसे एक्सेप्ट करके यहाँ पर जो लॉगिन करते हैं उसी तरह से आपको यहाँ पर जो वेरीफाई करना पड़ेगा अपने नंबर से। तो यहाँ पर आप नंबर से वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको जो अपना नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद नेक्स्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आपका जो व्हाट्सअप ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर बैकअप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बैकअप लेकर यहाँ पर रिस्टोर भी कर सकते हैं। अब दोस्तों ये ओपन होने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे ही यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको यो मोड्स पर जाना है। तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन दिया गया, यो थेम्स, यूनिवर्सल। तो आपको सिंपली यूनिवर्सल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कलर पर जाना है। कलर पर आप जैसे जाते हैं यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको सिंपली टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फोटो का ऑप्शन मिलेगा, फोटो पर जाना है। उसके बाद अपने गैलरी से जो भी आपको फोटो सिलेक्ट करना है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो वॉलपेपर है सेट हो चुका है। सिंपली आपको इसी तरह से जो है अपने व्हाट्सअप पर वॉलपेपर चेंज करना है। तो अभी भी अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको और भी यहाँ पर जो भी फोटो आपको सिलेक्ट करना है कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही शानदार फीचर्स दिए गए हैं। अगर आप इस व्हाट्सअप को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। तो इसे आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं ब्राउज़र पर कहीं भी। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए और भी नई नई वीडियोस लाते रहता हूँ हमेशा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।